एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने ही देश का स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड को दूसरी कंट्री को गिफ्ट कर दिया। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कच्चाती वो आइलैंड की, जिस आइलैंड को 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बात करें पीओके की या अक्साई चिन की, मुझे नेहरू जी का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब 1962 की वॉर हम हारे थे चाइना से, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि लद्दाख इज यूजलेस एंड इनहैबिटेबल लैंड। सीरियसली अगर बात करें इस आइलैंड की, तो ये आइलैंड लोकेटेड है इम्फाल स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और वही श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है, जो कि इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। ये कांग्रेस पार्टी का ब्लंडर आज इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, जैसे कि बात की जाए चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की, या टेररिस्ट एक्टिविटी इन कश्मीर, या इंडिया फेस्टिवल्स का अरेस्ट होना बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है।